Welcome back guys to my YouTube channel. My name is Durga. You are visiting Dreamy Divine में तो आज की reaction video बने वाली top real team से politics 2019 तो चले video start करते हैं. लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे channel पर new हैं तो आप लोग मेरे channel को subscribe, like, share करना मत भूलना, bell icon पर click कर देना जिससे आने वाली सारी video की notification आपको सबसे पहले मिल सके. So don't wasting any time. Let's get watching. और हम तुम किसी मस्जिद के आगे से रिलैक्स होकर नया वाला चप्पल चुरा लाए और बराबर वाले दरवाजे से आप जी आ जाए. जो तुम और कर ही सकते हो. ना 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 खालिद भाई वो बात नहीं है. आज सुबह से कोई कोस रिया है मुझे. एक सुबह से पेट में दर्द हो रहा है. कोई ना कोई भोसड़ी का कोस रिया. बेटे आमिर तुम्हें कोई नहीं कोस रिया, तुम्हें लग रही है लैटरिन. पहले कर का हो. ओ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सीधी करिए ना, सीधी करिए. ओ कहाँ को जा रही है तू? सेटिंग से मिलना है अपनी. अब तो हाँ, हम छोड़ देंगे तुझे. तेरे साथ जाऊंगा मैं और तेरी ये गाड़ी तो चलानी है साले. अबे हमारी तो गाड़ी है ये. अबे सुतरी के चूतड़ों पर लोन लेने वाले आदमी जानता ना हूँ मैं. चला जा सूरत को लेके. बैग तो सही यार, चिंता क्यों कर रही है? चिंता मत करे, बिल्कुल बैग तुम्हारी जिम्मेदारी है. बैग तो सही ले फिर. तू तो चिंता कर रही है यार. मोनू देख ये लगा सेल सही है, ये डाला गे और ये छोड़ा क्लीन. अरे मरवा गा साले. वेट अबे मैं क्या सुन लूं, मैं जा रही हूं अपनी सेटिंग से मिलने. तुझे अच्छा लग रहा है ना, अपनी सेटिंग से मिलने जा रही है तो ले काम कर, मेरी गर्दन लगी ले चला दे. तू चिंता बहुत कर रहा है यार मोनू, चिंता मत कर. बैग तो सही तू, मैं खुद छोड़ के आऊंगा. देख अब के मैं कुछ बोल ही ना रिया. ले देख चल गई ना, चल गई. अरे अरे बाप ले गया बाप, अरे बाप ले गया फटवा दी गाड़. अरे मैं कह रही था साला जल्दी आ मदर चोदक मरवा दी मेरी गाड़. धीरे तो सुधरी का ये भी था कांगिया ये और गाड़ी कांग. मोनू मैं तुझसे पहले भी कह रही था, अब भी कह रही हूँ, चिंता मत करे बिल्कुल भी. आ बैठ, मैं छोड़ के आऊंगा तुझे. अरे सुतरी चिंता का नाम ले देना तो गाड़ पे बहुत धमा मारूंगा तेरी. तू और तेरी गाड़ दोनों बावली हो जाएंगी साले. है तेरी मोनू, तू मुझे ड्राइवर ही ना समझ रही दिखे. अब पूरा ड्राइवर हूँ पूरा. अबे सुतरी के झूठे, अबे तू झूठा और तू ही झूठा. अबे साले झूठे, तुझे राजनीति में खड़ा होना चाहिए साले. तूने मेरी गाड़ फाड़ी है राजनीति में. तू जीत जाएगा, तू जीत जाएगा. और तूने चिंता की बात करी थी ना साले, चिंता का नाम मत ले दिया आज के बाद. ओहो इलेक्शन. अरे पट्टी थोड़ी इधर को आ जा. ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? चल मोनू ठीक है, चिंता मत करिए. एमएलए जी छक्के हो क्या? एमएलए जी जिंदाबाद. भोसड़ी के दर को चल ले सीधा. एमएलए जी जिंदाबाद. ये भोसड़ी का कैसे एमएलए के रक्षा लड़ लिया? एमएलए जी जिंदाबाद. एमएलए जी जिंदाबाद. रुक जा भोसड़ी के, यहीं जीता गा इलेक्शन. कैसे इलेक्शन लड़ लिया अबे एमएलए के? अबे भोसड़ी के नंबर एक के झूठे हैं हम. हम इलेक्शन में लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? एमएलए जी झूठे तो तुम सूरत से लग ही रहो, एक नंबर के चूतिया भी लग रहा हो. झूठे होने से थोड़ी लड़े जा मैं इलेक्शन, पैसा होना चाहिए. पैसे पैसे. अबे सुतरी वाली के हाथ तो देख ले किधर को है. बताओ एमएलए जी, फेरूं फेरूं टाइम ना, इस टाइम नहीं कुछ भी, इलेक्शन के बाद. इस टाइम तो बस लाले को तू के कह रही है पैसे. सुअर है, सुअर पैसे. चल हट एक तरफ को. जिंदाबाद जिंदाबाद. एमएलए जी जिंदाबाद. पैसा तो बहुत है इसके पास, तो बाबली गाड़ बना दूंगा. एमएलए जी एमएलए जी तुमने अपने फायदे की बात तो सुनी ना, ये जी टांगे तुम्हें झाट सारे बच्चे. चल बेटो घर जा बेटो. क्या है तेरे फायदे की बात? यहाँ को आओ. चल बे तू हटा. अच्छा अबे भोसड़ियों को ये वाली बात तो तुम मेरे सामने भी कर लेते. इससे बढ़िया बात तो मैं ही निकाल दूंगा. मैं ये मेरे कद्दू की सिगरेट बात थी तेरी, इसे तो पता. सारी बात छोड़ो, पैसों के साथ पार्टी होनी जरूरी है. क्या है तू अभी कह रहा पैसों की जरूरत है, अब पार्टी की कर रहा है? गाड़े जवान है तेरे. एमएलए जी मैं वाली पार्टी की बात ना कर रही हूं, जैसे मोदी भाजपा कांग्रेस अखिलेश यादव की पार्टी. टेंशन मत लो, पार्टी मेरे पास आएगी लोंडियाबाद जनता पार्टी, उसके लिए तुम्हें टिकट दिलाकर लाऊंगा.
के जीते जिताओ तुम, और लोंडियों का तो एक तरफा वोट पड़ेगा। आने लगी तुम्हें टिकट दिलवा लाऊंगा। अबे ऑफिस में घुसा भी लेंगे ना। ऑफिस में पैर रखने को जगह ना है, टिकट तो तुम्हें वो दंग ही ना। अरे तो हमने लड़ ले, हम दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे ना, ये हरवाएंगे तुम्हें साले सियासी, तुम्हारे चक्कर में पैसों के मारे फिर रहा है। ऑफिस में पैर रखने को जगह नहीं है, लेकिन टिकट हम दिलवाएंगे तुम्हें। बहुत बात है हमारी, ऐसा ना देगा साला ब्लैक से देगा। और ये बैग मुझे लाओ। कौन सी जगह ले आया तू? तो कह छका चक भरा हुआ होगा, यहाँ तो एक ही आदमी खड़ा हुआ है। एमएलए जी लंच टाइम होगा, पैर रखने को जगह ना ना, अभी चलो तो सही। चल इस बात को छोड़िए, मुंह क्यों ढक के आया तू? अबे एमएलए जी यार, तुमसे अपना जैसी बात है, घर जैसी बात है। इस कॉलोनी के लोंडे ये कह देते बोले बता हमें तो दिलाया ना इन्होंने टिकट, इसे दिला रहा है इसलिए मैं मुड़क का आया हूँ। अब ऐसी वैसी पार्टी थोड़ी है एमएलए जी, लोंडी या बात जनता पार्टी है, ध्यान रखना पड़ता सब चीजों का। अब भाई साहब टिकट मिल गया क्या तुम्हें? घोषणी के मैं सेटिंग कितने देर में खड़ा हो रहा है। एमएलए जी इससे क्या बात कर रहा हूँ, लो जी लो एमएलए जी, मैंने दिलवा दिया तुम्हें टिकट लोडियाबाद जनता पार्टी से, अब जरा ध्यान से जीतना है तुम्हें। बिल्कुल आओ, आओ दो चार घरों में प्रचार करवा दूं तुम्हें। झुट्टे चचो। हां बेटा क्या कह रिया? अरे चचा एमएलए जी का ध्यान रखना है, वोट नहीं डालना है अब किसे। ठीक है बेटा वोट तो दे देंगे, लेकिन लैटरिन ना हमारे गांव में। चचा तुम लैटरिनों की टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे घर में निरी लैटरिन ही लैटरिन हकवा दूंगा। oh, no. एमएलए जी खुद हकने आएंगे, बताओ एमएलए जी। hey. की जिम्मेदारी है, एक बार जिता दो मुझे, सुबह शाम दोपहर खुद आके हकूंगा तुम्हारा। चचा चलना है लाले को, एमएलए जी अगले घर में बहुत बढ़िया लोडिया रहे। अरे कहां है री लल्ली? अरे अब्बा कहां लल्ली तेरे? भोसड़ी के अपडेट वर्जन है तो बाबू, योर डैड योर फ्रॉम फलाना ढिमकाना country.com। ओह नो, पता ना है चौंक रहा हो, लोडियाबाद जनता पार्टी है हमारी। अब आया ना मजा चढ़ती जवानी को किसी ने छल्ली छल्ली। अरे तो एमएलए जी निपटाऊं क्या इलेक्शन के बाद? बेटे अब्बा से कह दियो अपने एमएलए जी का ध्यान रख के चलाऊं फिर। चलो फिर एमएलए जी घर में घर कहाँ पे है तेरा? अरे यहाँ की 4-5 हजार सड़क पार कर सरकारी नल के बराबर में दीवार पे जो लिख रहा है, हम उतना मना है। चल ठीक है, ध्यान रखना है, प्रचार करता रहिए। होने वाले एमएलए जी जिंदाबाद, होने वाले एमएलए जी जिंदाबाद। अब तो पार्टी भी ऐसी है लोडियाबाद जनता पार्टी, एक तरफा वोट पड़ेगा एक तरफा। क्या हो गया मुल्ला जी? इलेक्शन लड़ लिया है, कभी नहीं जीत सकता साले बंदर टट्टी टट्टू। अबे मुल्ला जी लेकिन ऐसा क्यों है, मुझमें ऐसा क्या है जो इलेक्शन ना जीतूंगा? पहले दूर हो के बात कर, ऐसा कैसे जीत जाएगा तू? इलेक्शन पहले होगा, तेरे नाम का जलसा, और फिर तू देख एक तरफा जीतेगा एक तरफा। ओहो एमएलए जी जलसा होगा फिर तो एमएलए जी का साथे भी लाने पड़ेंगे। मुल्ला जी तुम जलसा रखवाओ फौरन। बेटा जलसा रखवाया नहीं जाता, करवाया जाता है। हम करवाएंगे तेरा जलसा, रुपए लगेंगे 17,550 रुपए है तो बोल। मुल्ला जी को पता ना दिया, मुल्ला जी पैसा तो सुअर ना खा रहे, सुअर। अच्छा सुअर ना खा रहे तो हम खा लेंगे, आओ। जिंदाबाद। अरे होने वाले एमएलए जी जिंदाबाद। अब हो चुका है जलसा वलसा सब कुछ, अब तो जीत पक्की है। और एक बार जीत जाऊँ ना, तुझे अपने यहाँ नौकरी पे रखूंगा, तेरी तनख्वाह होगी 40 लाख रुपए, सही है? और तेरी तनख्वाह होगी 45 लाख रुपए। तो साले मुंह बिगाड़ लिया है, 45 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे रही हूँ फिर भी। एमएलए जी मुझे पैसों का लालच ना, मुझे पिसाब लग रहा। पिसाब लग रहा तो यहाँ के गाना बना रिया करके आ, चल जाके बने भाड़ू। पंडित जी ध्यान रखना। ओम नमो नमो नमो। दोस्त पापी अपनी जबान से मेरा नाम मत ले। क्या हो गया पंडित जी? और होने वाला विधायक हूँ इस एरिया का। नहीं कभी नहीं जीत सकता तू, कभी भी। ऐसे कैसे नहीं जीत सकता? पंडित जी को पता नहीं दिखा है, बिल्कुल अभी जलसा करवा कह रही हूँ, जलसा 50,000 रुपए लगे। 50,000 कहाँ से लग गए? अब आटे में नमक जितना झूठ तो चला ही है, इलेक्शन लड़ना इतना झूठ ना बोलेंगे तो जीतेंगे कैसे? और पंडित जी जीत हमारी होगी। दोस्त जलसे के साथ साथ पूजा। पंडित जी तो जिंदी खकारे थूक रहे। पंडित जी मैंने बहुत कोशिश कर ली, पूजा फोन ही ना उठा रही मेरा। भोसड़ी के नेक पंडित के सामने ग्लोंडियाबाजी की बातें कर रही हूँ मैं, आरती की बात कर रहा हूँ आरती। अरे यार पंडित जी को भी मेरी सभी सेटिंगों के बारे में पता दिख गया। पंडित जी आरती ने 3 महीने पहले से ब्लॉक कर रखा है, ना इंस्टा पे ना फेसबुक पे। चौदह एक नंबर का लोंडियाबाज है, मैं पूजा मंदिर की बात कर रहा हूँ। पंडित जी आरती पूजा उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगा मेरी सेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्त तू ऐसे नहीं जीत सकता,
शुक्र और शनि तेरा बहुत भारी चल लिया। तेरा जुम्मे रात तो शनिदेव से ही भारी चल लिया। तो क्या करना पड़ेगा पंडित जी? भोसड़ी के अब पूजा करानी पड़ेगी। पूजा करके रहो फिर 1.5 लाख रुपए लगेंगे। तेरी फिर पैसे की बात। अबे पैसा तो सुअर ना खा रहे पंडित जी, सुअर। आ जाओ तो हमारे घर बकरियां बहुत आएंगी। चलो करो पूजा का इंतजाम, में आया जरा अभी। चलो आओ, अब हो रही है पूजा भी, जीत पक्की है। आज अच्छा, अरे मैं कह रही हूँ पूजा भी हो गई है, जलसा भी रखवा दिया है, जीत पक्की है। तुम गाँव में जिससे हो सके उससे झगड़ा कर लो, मारेंगे भोसड़ी वाले को। विधायक बन के लौटूंगा मैं। चल विधायक जी, जीत तो पक्की है अपनी। अब तो बिल्कुल पक्की है जीत। अबे साले कहाँ था, पिशाब करने गया या हगने गया? मैले जी तुम्हें पता ही ना कि लैटरिन के साथ पिशाब तो आ भैया। अबे तेरे जाती पंडित जी मिल गए, पंडित जी बोले तू कभी भी इलेक्शन नहीं जीतेगा। तो फिर? अबे फिर क्या, फिर तो साले पंडित जी ने बताया कि मेरे शरीर में बहुत खूबसूरत लौंडिया की आत्मा, फौरन निकाल दो इसे, ये काम इलेक्शन के बाद होंगे। पंडित जी ने यूं पढ़े 2-4 मंत्र, आत्मा भागी भागी जा रही थी। माँ कसम मैंने देखा। अबे यार मैंने जी, ये तो तुमने गलत करा दिया। अबे इतनी खूबसूरत बता रहे हो तुम, अबे तो उसे तो मेरे ऑफिस पे को भेज दो। साले ये काम इलेक्शन जीतने के बाद होंगे। एमएलए जी जिंदाबाद, जिंदाबाद एमएलए जी जिंदाबाद, एमएलए जी। देखो भाई इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी, पैसा लग चुका बहुत ज्यादा और इलेक्शन में अब हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, तैयारी करनी है बहुत। क्या दिन रहेगा इलेक्शन के? पहले तो अभी तो हुए इलेक्शन। मुझे पता है कि 4 साल 11 महीने हो चुके हैं, पर एग्जैक्ट कितने दिन रह चुके हैं इलेक्शन के? कौन से 4-5 साल विधायक जी, अभी 6 दिन हुए इलेक्शन को और टाइम रह गया है 4 साल 11 महीने 24 दिन रह गए इलेक्शन के। 5 साल तुम कह रहे हो कि जीते रह गए इलेक्शन? उस बहन चंद लौंडी आवाज जनता पार्टी ने टिकट दिला दिया, पंडित जी ने पूजा कर दी, मुल्ला जी ने जलसा करा दिया, तुम साले मेरी जमीन बिकवा गए। मारो चोदो। सालों ने जमीने तक बिकवा दी के जीतोगे जीतोगे, बहन चो मुल्ला जी भी और पंडित जी भी। विधायक जी घूम रहे थे। हाँ बताओ क्या काम है विधायक जी से? अरे काहे का विधायक, चूतिया साला। देखो भाई देखो, हमारे मोहल्ले का एक सानू है ना, उसने उस विधायक से तमाम ही पैसा हटा और कभी चचेरे भैया को पंडित बना के भेज दिया, कभी मुल्ला बना के भेज दिया तेरे भाई को, और भाई साहब तमाम ही पैसा लूट लिया उससे, कंगाल कर दिया उसे। तू क्यों ऐ कर रहा, मैं भी उस विधायक का पता बता दे, हम भी पैसा हट लेंगे, देख बैंक की किस्त भी जमा ना करी वो भी कर दूंगा। तू जिस चूतिया विधायक की बात कर रहा है ना, चूतिया विधायक मैं ही हूँ। पता ही नहीं चलता आज तक कौन आदमी क्या है। अरे तुम भी विधायक दी और अब भागो। विधायक को इतने बुरी तरीके से लूट लिए, कोई मुल्ला जी ने लूटा, कोई पंडित जी ने लूटा, कभी जलसे से लूटा, भाई पार्टी कर करके लूटा, कैसे बेचारे को लूट के पूरा खंगाल कर दे। 5 साल थे तभी चुनाव को, उसको लगा कि चुनाव चल रहे, लेकिन बेचारे को लूट के कंगला बना दिया। कितना फनी वीडियो था, सच में अच्छा लग रहा था बहुत ही। आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड।